अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाउ डेयर यू, हर्ष को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? शट अप। जानकी दरभंगा पहुंचने से पहले उसे वापस ले आओ। अगर वो ऑलरेडी पहुंच गई होगी तो तुम कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना आई मैनेज दिस। वेलकम जी। आप में से नितिन कौन है? जी नितिन तो हम ही, लेकिन क्या हुआ जी? गिरफ्तार करने आए हैं। आज हम पापा को सब सच बताएंगे और मिलकर रास्ता निकालेंगे राम शास्त्री से बचने का। आपके भाई ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड। वो कंप्यूटर क्लासेस जाता है ना, वहीं से ये सब गड़बड़ किया है। जानकी दी, आपकी कसम, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। चुप, हमें झूठा बोल रहा है? देखो तो इस सत्यवादी का कारनामा, इसके फ्रॉड का प्रूफ अभी बताता हूँ। तिवारी जी सर, आप बोली ना, हमारा नितिन ऐसा नहीं है। मैं तो लौट गई, बर्बाद हो गई। सर, सर, यही वो लड़का है जिसने मेरे साथ, मेरे कार्ड के साथ पूरे 25 लाख का फ्रॉड किया है। इसे छोड़ना मत सर। 25 लाख रुपए? आप हैं कौन? हम तो आपको जानते तक नहीं है। दी दी, हमें फंसाया जा रहा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। दी, हमने ऐसा कुछ नहीं है। पापा, पापा आपकी कसम, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। हाँ नितिन, हम सर, हमारा भाई झूठ नहीं बोल रहे। मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी है, हमारा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है। सर सुनिए ना, अगर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा ना, आप इसके कॉलेज में फोन करिए, वहाँ पूछिए, इसके दोस्तों से भी आप पूछ सकते हैं, ये हमारा भाई ऐसा है ही नहीं। प्लीज बिलीव मी। आप साइबर पुलिस से पूछिए, इसके खिलाफ उनके पास सारे सबूत हैं, इनके सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन अकाउंट्स, ये प्रूफ करती है कि आपके भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। आप जाओ यहाँ से, वरना मुझे आपको इसके साथ अंदर करना होगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? 25 लाख नहीं, 1 करोड़ आपके मुंह पे मारेगी। माँ प्लीज चुप हो जाओ। क्या चुप हो जाएं? ये ऐसे वैसे बात कर रहे हैं, आपको पता भी है किस खानदान की बहू है? बताइए कौन से खानदान की बहू है? जानकी शास्त्री नाम है इनका। राम शास्त्री के खानदान की बहू। चिंता ना करें, हम आ गए हैं ना। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। देखिए ना, नितिन को बंद कर दिए हैं, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, इसको बचा लीजिए। अरे आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? आप हमारी समधन जी हैं, रिश्ते से हम लोग जुड़ गए हैं। आपका बेटा हमारे बेटे जैसा ही है ना। और आखिर जानकी भी तो हमारी बहू ही है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम नितिन को कुछ नहीं होने देंगे। पर सर, ये लड़का और इसके फ्रेंड्स कंप्यूटर क्लासेस के बहाने लोगों के साथ ठगी करते हैं और उनके क्रेडिट कार्ड्स को हैक करके ये उसे यूज करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने मेरे 25 लाख रुपए लूट लिए। ये फ्रॉड है, ये चोर है, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं अंकल, हमें तो खुद नहीं पता है सब कैसे हुआ, कहां हुआ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो भी बच्चा है, अभी अभी कॉलेज से बाहर निकला, ये कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड? इसकी सजा कम से कम 10-1 साल है ना? जी सर। मतलब नितिन की सारी जवानी जेल में है। 10 साल
10 साल तो बहुत ज्यादा होते, ऐसा मत कीजिए। नितिन के अलावा हमारा कोई नहीं, यही हमारा सहारा है। इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रूफ है आपके पास? ये देखिए, आईपी एड्रेस और इसके अकाउंट डिटेल्स। ये सारी बातें यही साबित करती कि ये सब इसी ने किया है। एविडेंस तो सारे हैं, स्वेटे साहब, रहम कीजिए आप इस पर। अगर 10 साल तक अंदर रहेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, है ना भाई साहब? इंस्पेक्टर साहब, 10 साल तो दूर, हमारे भाई ने ये गुनाह किया ही नहीं है। सर, हम सच बोल रहे हैं, हम जानते अपने भाई को। ये 10 साल तो कम से कम बोल रहे हैं। आप देखिए ना, 4-5 साल तो केस लड़ने में निकल जाते हैं आजकल, के बाद जज पे डिपेंड करता है, 10 का 15 भी कर दे क्या पता। फाइनेंशियल फ्रॉड्स है ना, इसके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। सब सर, सिर्फ इतना बताइए कि हम नितिन को कैसे बचा सकते हैं। तो राजेश, एक काम करो, हमारे वकील को फोन लगाओ। जी जानकी, बाहर आओ, आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी, बाहर हम आते हैं। ब्लेस यू बेटे। क्या हुआ जानकी? बड़े चेहरे से लग रहा है बहुत आंसू बहाया तुमने। ये लो, आंसू पोंछ लो। अरे फिक्र मत करो, हम आ गए हैं ना, हम वादा करते हैं नितिन को जेल से निकलवा के ही रहेंगे। डोंट वरी बेटे, सिर्फ जी कहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा भी फर्ज बनता है नितिन के लिए कुछ करो। सर, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने हमारे बारे में या हर्ष के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो नितिन जेल में ही रहेगा। चुपचाप पग फेरे की रसम पूरी करो और ससुराल लौट आओ। अगर ससुराल लौट आई तो ये जो औरत है ना, जिसने इल्जाम लगाया है नितिन पर, वो इल्जाम वापस ले लेगी। अगर तुमने कोऑपरेट किया तो ये केस जो अचानक से बंद गया है वो अचानक ही खत्म होगा। इसका मतलब ये सब आपने किया? हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है तुमने किया है। अगर तुम घर से ना भागती तो ये कुछ नहीं होता। एक बात समझ लो, हम ही जिम्मेदार होते हमारे परिवार के हालतों के लिए। हम अपने परिवार के और तुम तुम्हारे परिवार के, यानी नितिन के और जेल के भी। तुम खुशकिस्मत हो, हम तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं, वरना राम शास्त्री किसी को सेकंड चांस नहीं देता। चुपचाप हमारे साथ घर लौटाओ, जो शादी हुई है ना उसे निभाओ। 5 मिनट देते हैं, फैसला तुम्हें करना है। हमारे साथ घर वापस आओगी, नितिन को जेल में सड़ते हुए देखोगे। डिसाइड एंड टेल मी, 5 मिनट्स। क्या हो रहा है आपको? नितिन देखो ना, पापा को क्या हो गया? पापा, ए तिवारी, पानी दे। जानकी, देखो पापा को क्या हो गया। पापा, पापा, ये प्लीज दरवाजा खोलिए। जाओ बेटे, देखो क्या हुआ। पापा, पापा, क्या हो रहा है? मम्मी पापा को पता नहीं। पापा संभालो, सुनिए ना, कोई कुछ नहीं होगा पापा को। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी से, क्या कर रहे हैं आप लोग? हॉस्पिटल ले जाना है हमें। पापा, आपको कुछ नहीं होगा पापा। क्या हो रहा है? सब प्लीज एम्बुलेंस की बुलाइए ना।
पापा की कंडीशन खराब होती जा रही, प्लीज सर। हाँ बुलाता हूँ। अरे जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। बस 5 मिनट में आ जाएगी। क्या हुआ पापा को? इट्स कार्डियक अरेस्ट। इमीडिएटली इन्हें कहीं एडमिट करिए वरना कुछ भी हो सकता है। एक मिनट डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? कार्डियक अरेस्ट आया है, आपने ही कहा ना? और फिर आपके मैंने कहीं और एडमिट करा है? आप कहीं एडमिट कर सकते? आई एम सॉरी मैम, अभी हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, आप इन्हें कहीं और ले जाइए। कहीं और? ऐसे में इनको कहाँ लेकर जाएंगे? रास्ता में तबीयत खराब हो गया तो पहले भी उनको दो बार दिल का दौरा आ चुका है। कृपा करके इनको बचा लीजिए। इनको डॉक्टर साहब खुद देख रहे हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन, ऐसे में हमें कहीं और कैसे ले जा सकते हैं, चांस कैसे ले सकते हैं? प्लीज प्लीज आप इन्हें एडमिट कर लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। सॉरी, एक मिनट डॉक्टर। ये वीआईपी है और वीआईपी लोगों के लिए बेड अरेंज किया जाता है, समझे आप? इस हॉस्पिटल का जो सबसे महंगा बेड है ना, उससे 5 गुना पैसे देंगे हम आपको। जल्दी से बेड अरेंज करवाइए। ओके, राजेश शास्त्री नाम है हमारा। 5 मिनट लगेंगे इस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करवाने में। सॉरी सर, वो हो जाएगा। वार्ड बॉय, इन्हें फटाफट वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करो। थोड़ा वीआईपी वार्ड ही नहीं, ट्रीटमेंट भी वीआईपी होना चाहिए। जो बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उन्हें बुलाइए और जल्दी कीजिए, फास्ट। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जानकी के पापा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप आंटी जी? ये हमारे पिता की तरह ही तो हैं और अब हमारा परिवार एक ही है। परिवार के बड़े धन्यवाद नहीं, आशीर्वाद देते। चुक चुक जी। सही कहा ना मैंने जानकी? हमारी जानकी का भाग्य धन्य हो गया जो आपके घर की बहू बनी। पता नहीं सब एहसान हम कैसे चुकाएंगे। अब प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। पापा को बचा लीजिए माँ, प्लीज। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज उनकी रक्षा करिए माँ। माँ ये क्या हो गया? और नितिन ऐसा क्या कर दिया कि वो जेल में? पापा को अचानक ये दौरा कैसे पड़ गया माँ? क्या हो गया? हम तो जानकी के पग फेरा का तैयारी कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से पुलिस आ गई, नितिन को पकड़ के ले गई। और नितिन का हाल देखकर निशा के पापा को दिल का दौरा पड़ गया, पहले से इतना कमजोर थे। कुछ नहीं होगा पापा को, हम सब है ना, और त्रिशु के से बड़े हॉस्पिटल में पापा का इलाज करा देंगे। त्रिशु चाहे कुछ भी हो, हमारे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ हम तो कहते हैं कि पापा जी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, हमारी जानकारी है, हम बात करते हैं ना। उसका कोई जरूरत नहीं है, जानकी के ससुराल वाले हैं ना, वो उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, एकदम वीआईपी इलाज करवा रहे हैं। उन लोग के रहते हमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। वो लोग जितना पैसे से धनी है ना, उतना ही दिल से भी धनी है, एकदम भगवान का रूप है। माँ परेशान मत भैया, चलो हम पापा को देख के आओ। हाँ दीदी, कैसे हैं आप? वैसे अच्छे ही होंगे, इतने अच्छे परिवार में शादी जो हुई है, आपके ससुराल वालों की वजह से ये हॉस्पिटल वाले पापा जी का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं, वरना इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। पैसे वालों और बड़े लोगों के अलावा ये किसी पर ध्यान नहीं देते, लोग चाहे कुछ भी कहें। हम तो बहुत खुश है कि आपकी शादी हर चीज से हुई है, एंड आई एम श्योर कि राम जी ना नितिन को जेल जाने नहीं देंगे। आप चिंता मत करो, मैं पापा जी को देख के आता हूँ। वो तो सब कर लेंगे, पर हमें क्या करना है इसका फैसला हमें अभी लेना होगा। नहीं, मेरा येलो रहेगा।
ओके? हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। बच्चे वापस आ गए, घर में रौनक वापस आ गई, है ना वंदना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप मम्मी जी। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा था मम्मी जी, पर क्या करें, हर्ष की शादी के चक्कर में इन्हें नानी के घर भेजना पड़ा। अगर ये यहाँ पर होते तो सारी पोल पट्टी खोल के रख देते। अगर जानकी को सब कुछ बता देते तो जानकी हर्ष के साथ कभी शादी नहीं करती। सही कह रही हैं आप। मेम साहब, खाने में क्या बनाऊं? मम्मी जी पालक पनीर ही बनवा ले, हर्ष को भी अच्छा लगता है। ठीक है, पालक पनीर बना दो। वैसे मेम साहब थैंक यू, आप हमारे बेटे जगदीश को अपने बच्चों के साथ खेलने दे रहे हैं इसलिए। कैसी बातें कर रही हो राधा, जगदीश भी तो इसी घर का बच्चा है, वैसे भी हर्ष का बेस्ट फ्रेंड है, हर्ष तो उसी की बात मानता है। अब क्या करें, हर्ष को सारे दरभंगा वाले लोग ही पसंद आते हैं, चाहे जानकी हो, चाहे तुम या फिर तुम्हारा बेटा। जल्दी से बना दो, हाँ सबको भूख लगी। अभी बनाते हैं। क्यों गई थी मुझे छोड़ के? मैंने खाना नहीं खाया था और मैं तुमको मिस कर रहा था, तुम क्यों गई थी मुझे छोड़ के? हर्ष, I'm sorry. मैं जैसे सॉरी बोलता हूँ वैसे सॉरी बोल रहा हूँ, कैसे कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ मैं? सॉरी? दोबारा जाओगी छोड़ के मुझे? नहीं, पिंकी प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस? मुझे मुझे प्रॉमिस नहीं है तुमसे, तुमसे तुम दोबारा चली जाओगी ना छोड़ के? हर्ष, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आई प्रॉमिस। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम चली जाओगी छोड़ के? मुझे 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 गुस्सा नहीं हर्ष, तुम जाओगी मुझे छोड़ के? मुझे किसको? गुड़िया? हाँ गुड़िया, गुड़िया नहीं आई है बेटा अभी। इधर थी वो गुड़िया, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी गुड़िया। मम्मा यहाँ थी, बात तो सुनो, यहाँ थी गुड़िया, वो यहाँ थी। हर्ष गुड़िया नहीं, गुड़िया थे मम्मा इधर। खेल लेना उसके साथ, शांत हो जाओ, चलो। सिस्टर, पल्स रेट लिखो एंड गेट द मेडिसिन फास्ट, जल्दी। जानकी,
उन्हें अंदर मिल सकते हैं? हाँ प्लीज प्लीज। हे भगवान, इस दुविधा में लाके खड़ा कर दिया हमें। एक तरफ पापा की खुशी और उनकी जिंदगी है, और दूसरी तरफ हमारी खुशी और हमारी जिंदगी। दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं हम। डॉक्टर साहब जी, हमारे समधी जी की तबीयत कैसी है? हार्ट अटैक आया था इन्हें, पर अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन हाँ, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि कोई स्ट्रेस ले सके, इसलिए आप लोगों को इनका बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। इनको कोई स्ट्रेस नहीं देना है, वरना स्ट्रोक दोबारा हो सकता है, और वो स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। सो प्लीज सर, टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर साहब, हम सब उन्हें अंदर मिल सकते हैं? हाँ प्लीज प्लीज। स्वीटी साहब, रहम कीजिए आप इस पर, अगर 10 साल तक अंदर रहेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। अगर तुमने हमारे बारे में या हर्ष के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो नितिन जेल में ही रहेगा। फैसला तुम्हें करना है, हमारे साथ घर वापस आओगी या नितिन को जेल में सड़ते हुए देखोगी। दुविधा में लाके खड़ा कर दिया हमें। एक तरफ पापा की खुशी और उनकी जिंदगी है, और दूसरी तरफ हमारी खुशी और हमारी जिंदगी। दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं हम। थैंक यू पापा, आपने हमारी शादी इतने अच्छे परिवार में कराई, इतने बड़े खानदान में कराई। थैंक यू। वो औरत किधर है जिन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था? हमें उनसे बात करनी है, पर जानना है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया।